1992 में कहा गया रामलला हम आएंगे, और 2020 में मिशन पूरा हुआ, मंदिर वही बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल पुरानी जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका प्रण था, आखिरकार वो पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा शक्ति के बिना शांति नहीं हो सकती। क्या पुराने दिन याद आते हैं अयोध्या के, जब आप बिल्कुल फायर ब्रांड स्पीचेस दिया करते थे? लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ कर। 15 अगस्त अगर राजनीतिक आजादी का दिन था, तो क्या 5 अगस्त अब से सांस्कृतिक आजादी का दिन होगा? जहाँ पर शिरीन है वहाँ तो मंदिर निर्माण जी न्यूज ने कर ही दिया है। कुछ लोगों को ये सब कुछ चुभ गया, बहुत चुभ गया। दो धमकी, कुछ नहीं होने वाला, दो धमकी। नमस्कार दोस्तों, आज भारत में 27 लाख केसेस हो गए हैं कोरोना के, और दोस्तों 51,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं कोरोना से। आखिरी बार जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो उस टाइम 40,000 लोगों की मौत हुई थी कोरोना से। दोस्तों उस वीडियो से लेके इस वीडियो तक बनने तक दोस्तों 10,000 से ऊपर लोगों की मौतें हो गई हैं कोरोना से। पर दोस्तों एक डिबेट तक नहीं हुई है, सरकार से सवाल पूछ ले कि सरकार कहाँ फेल हो गई है, गोदी मीडिया। और दोस्तों जितना टाइम गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को बदनाम करने में लगाया है, उससे अगर आधा टाइम सरकार से सवाल पूछने में लगा देता, तो दोस्तों आज शायद भारत में 27 लाख केसेस ना होते और 51,000 लोगों की शायद मौतें नहीं होती। पर दोस्तों गोदी मीडिया ने आम जनता के बुनियादी सवाल भी सरकार से पूछने बंद कर दिए। और दोस्तों जो पत्रकार आम जनता के सवाल सरकार से पूछता है, तो उसे अनभक्त या तो कांग्रेसी दल्ला कहते हैं, या तो एंटी नेशनल कहते हैं, या दोस्तों उसे मुल्ला कहते हैं, या मुल्ला है, या कांग्रेसी दल्ला है, या देशद्रोही है। दोस्तों अब अनभक्त की नजरों में कोई पत्रकार आम जनता के सवाल अगर सरकार से पूछ रहा है, तो वो कांग्रेसी दल्ला है, क्योंकि वो सरकार से सवाल कर रहा है आम जनता को लेकर। और गोदी मीडिया तो सवाल करता नहीं है, तो इसलिए गोदी मीडिया से एक अनभक्त खुश हैं। और दोस्तों सिर्फ बेंगलुरु में 50,000 दुकानें बंद हो गई, किसी ने सवाल पूछा, सिर्फ रवीश कुमार ने पूछा कि जब सिर्फ बेंगलुरु में 50,000 से ज़्यादा दुकानें बंद हो गई, तो पूरे भारत में कितनी दुकानें बंद हुई होंगी, मैं किसी गोदी मीडिया ने नहीं पूछा। दोस्तों अभिषेक शर्मा जो आम जनता के लिए पत्रकारिता करते हैं, उन्हें अनभक्त कांग्रेसी दल्ला कह रहे हैं उनके जन्मदिन पर। दोस्तों आसाम और बिहार में इस टाइम बहुत बुरी बाढ़ आई हुई है, लोग बाग गाड़ी की बदलाई नाव खरीद रहे हैं बिहार के अंदर, और दोस्तों 72 लाख से ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। मगर गोदी मीडिया ने सवाल पूछा है कि आसाम में और ये बिहार में इतनी खतरनाक बाढ़ आई हुई है, कि सरकार ने क्या कदम उठाए इसकी पड़ताल की? कुछ नहीं की, सिर्फ एक मुद्दा फिक्स है, सुशांत सिंह, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। आप रोज शाम को देख लेना, हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आम जनता के सवाल तो समझ लो स्टूडियो के बाहर फेंक दिए जाते हैं। अगर स्टूडियो कुछ बचा है, तो वो बचा है प्रोपेगेंडा और हिंदू मुस्लिम। और दोस्तों मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आम जनता को भी बोल रहा हूँ, अब आम जनता को आम जनता की परेशानी दिखाई नहीं देती है, उसे वो पत्रकारिता पसंद ही नहीं है,
जो आम जनता के सवाल पूछे, उसे वही न्यूज खबर, वही न्यूज चैनल पसंद है जो दिन रात गोदी मीडिया करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। अरे वाह, जब तक उनके टेबल में हिंदू मुस्लिम ही होता ना, उनको खाना तक हजम नहीं होता है। और आम जनता जो है मर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, अगली वीडियो मिलते हैं।